संगीत, म्यूजिक यानी साज और सरगम। संगीत की बात होते ही हर कोई थिरकने लगता है, कभी किसी का मन थिरकने लगता है तो कभी किसी के कदम। कहते हैं म्यूजिक किसी थेरेपी से कम नहीं होता। आप खुश होते हैं तब म्यूजिक सुनते हैं और आप दुखी होते हैं तब म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। किसी से इश्क हो जाए तो सबसे पहले संगीत की याद आती है, किसी का दिल टूट जाए तो भी संगीत की याद आती है। पर क्या आप संगीत का इतिहास जानते हैं? क्या आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में कितने तरह का म्यूजिक है? और अगर हम सिर्फ भारतीय संगीत की बात करें तो इसमें घराने और ताल का क्या मतलब है? तो चलिए आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक से रूबरू करवाएंगे, जो आपको भी हर तरह के संगीत का दीवाना बना देगा। इतिहास हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हम इतिहास को जी कर आ सकते हैं, जहां हमें विकास की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए नए आधार मिलते हैं। जब संगीत की बात होती है तो सबसे पहले मन में आता है कि आखिर संगीत के जन्म का आधार क्या था, संगीत का जन्म कैसे हुआ। अगर आपको लगता है कि संगीत केवल मुगलों और राजाओं से आया है तो ऐसा नहीं है। अगर भारतीय संगीत की बात करें तो इसकी शुरुआत वैदिक काल से भी पहले की है। इस संगीत का मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। हिंदू परंपरा में ऐसा मानना है कि ब्रह्मा ने नारद मुनि को संगीत वरदान में दिया था। हालांकि इस संबंध में विश्व के विद्वानों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और अलग अलग सोच है। कहा जाता है कि संगीत पहले ब्रह्मा जी के पास था और अंत में नारद जी के द्वारा संगीत का प्रचार इस पृथ्वी पर हुआ। मगर हम में से कई लोग ये बात नहीं जानते कि संगीत का वेदों में खास वर्णन नहीं है। जब जब भारतीय संगीत की बात होती है तो गायन, नृत्य और संगीत यंत्रों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संगीत की परिभाषा गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम मुच्यते कहलाती है। गायन, वाद्य वादन एवं नृत्य संगीत को इन तीनों कलाओं का संगम माना गया है। भारतीय संगीत के दो प्रकार यानी टाइप्स प्रचलित है। पहला कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित है, और हिंदुस्तानी संगीत शेष भारत में लोकप्रिय है। संगीत का प्रारंभ वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी द्वारा हुआ। ब्रह्मा जी ने ये कला देवों के देव महादेव को दी और भगवान शिव के द्वारा देवी सरस्वती को प्राप्त हुई। इसीलिए सरस्वती जी को वीणा पुस्तक धारिणी कहकर संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में हम पूजते हैं। यही वजह है कि जो लोग संगीत से जुड़े होते हैं अक्सर उनके पास आपको देवी सरस्वती की प्रतिमा देखने को मिलेगी। कुछ कहावतों के अनुसार सरस्वती जी से संगीत कला का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी ने स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं को संगीत की शिक्षा दी। वहीं से बहुत से ऋषि संगीत कला में पारंगत होकर भूलोक पर आए और संगीत कला का आरंभ हुआ। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नारद जी ने अनेक वर्षों तक योग साधना की थी, तो उनसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें संगीत कला प्रदान की। वहीं अगर रुद्र वीणा की बात की जाए तो पार्वती जी की शयन मुद्रा को देखकर शिव जी ने अनेक अंग प्रत्यंगों के आधार पर रुद्र वीणा बनाई और अपने पांचों मुखों से पांच रागों की उत्पत्ति की। वीणा की उत्पत्ति के बाद छठा राग पार्वती जी के श्री मुख से निकला। शिव जी के पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और आकाश की ओर हुए मुख से भैरव, हिडोल, मेघ, दीपक और श्री राग प्रकट हुए एवं पार्वती जी द्वारा कौशिक राग की उत्पत्ति हुई। प्री हिस्टोरिक काल से ही भारत में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। गिने चुने देशों में ही संगीत की इतनी पुरानी एवं इतनी समृद्ध परंपरा पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। हालांकि इस दावे के एकमात्र साक्ष्य है उस काल में कांसे की बनी एक नृत्य बाला की मुद्रा वाली मूर्ति। इसके बाद नृत्य, नाटक और संगीत के देवता की पूजा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संगीत की अवस्था का प्रारंभ हुआ।
संगीत की इस शैली में भजनों और मंत्रों के उच्चारण से ईश्वर की पूजा अर्चना की जाती थी। भारतवर्ष की सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। सिंधु घाटी के अतिरिक्त दो भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत की रचना में संगीत का गहरा प्रभाव रहा। भारत में सांस्कृतिक काल से आधुनिक युग तक संगीत की शैली और पद्धति में जबरदस्त बदलाव आया। भारतीय संगीत के इतिहास के महान संगीतकारों जैसे कि स्वामी हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो आदि ने भारतीय संगीत की उन्नति में बहुत योगदान दिया, जिसकी कीर्ति को पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, प्रभा अत्रे, सुल्तान खां जैसे संगीत प्रेमियों ने आज के युग में भी कायम रखा। वही भारतीय संगीत में ये भी माना गया है कि संगीत के आदि प्रेरक भगवान शिव और देवी सरस्वती है। धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है। इस रूप में संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। वैदिक काल में आध्यात्मिक संगीत को मार्गी और लोक संगीत को देसी कहा जाता था। वैदिक काल में सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उस समय के वैदिक सप्तक या सामगान के अनुसार सातों स्वरों के प्रयोग के साथ किया जाता था। ये बात तो सभी जानते हैं कि भारतीय संगीत में सात स्वर हैं, पर आप इस बात से परिचित नहीं होंगे कि इनके असल नाम क्या है। ये सात सुर कुछ इस प्रकार के हैं: षडज यानी सा, ऋषभ यानी रे, गंधार यानी ग, मध्यम यानी म, पंचम यानी प, धैवत यानी ध और निषाद यानी नी। वही सात सुरों के साथ भारतीय संगीत को तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें शास्त्रीय संगीत जिसे मार्गी भी कहते हैं, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख पद्धतियां हैं: हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर भारत में प्रचलित हुआ और कर्नाटक संगीत जो दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ। ये बात तो सभी जानते हैं कि संगीत मानव जीवन को सुरीला बनाता है और कई रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि अगर आप अपनी उम्र लंबी करना चाहते हैं तो आपको कभी भी संगीत का साथ और हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। वही प्रचलित मान्यताओं और लोक कथाओं के मुताबिक संगीत के प्रभाव से बहुत से लोगों को सांसारिक समस्याओं और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। संगीत का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित गीत गाकर भारत को स्वतंत्र कराने में वंदे मातरम जैसे गीतों को कोई नकार नहीं सकता। संगीत एक ओर जहां हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन का सहयोगी है, वही संगीत के जरिए हमारी रोजमर्रा की चिंताएं दूर होती है और हमें जिंदगी जीने का उत्साह मिलता है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो भारत के साथ दुनिया के कई देशों में संगीत को हीलिंग एंड ट्रीटमेंट का साधन माना गया है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। संगीत डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारियों को दूर करने में मददगार है। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि संगीत प्रकृति से प्राप्त हुआ है। प्रकृति में पशुओं की विविध बोलियां, चिड़ियों का चहकना और हवा की सनसनाहट वगैरह भी संगीत में शामिल है। जिस तरह संगीत का गहरा असर इंसान पर पड़ता है, उसी तरह प्रकृति भी संगीत के प्रभाव से अछूती नहीं है। सृष्टि के कण कण में संगीत की धारा सदियों से बहती चली आ रही है, यानी ये पूरा संसार ही संगीतमयी है। तभी तो कहा जाता है, पेड़ों की खड़खड़ाहट हो या चिड़ियों का चहकना, सभी में संगीत है। हालांकि कुछ भी रिटेन ना होने के कारण इस इतिहास की पुष्टि नहीं की जा सकती। वही अगर इंडिया से बाहर की बात करें, तो सबसे पुराना संगीत समेरु, बवे डिग्री, बाबल या बैबिलोनिया, असुर, असीरिया और सुर सीरिया का माना जाता है। हालांकि जिस तरह भारतीय संगीत को वेदों में नहीं लिखा गया, ठीक वैसे ही सुमेरु बवे डिग्री का भी कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं है। हालांकि पहले के जमाने में संगीत का केवल एक अर्थ होता था,
जब किसी चमड़े, तार या किसी वस्तु से किसी तरह की आवाज का निकलना संगीत कहलाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चीन में अक्सर 5 स्वरों के ही गायकी मिलते हैं। 7 स्वरों का उपयोग करने वाले बहुत ही कम गाने हैं। उनकी एक प्रकार की बहुत प्राचीन स्वर लिपि है बौ। अगर बाहरी संगीत की बात करें तो जिस तरह से वेद का सस्वर पाठ होता था उसी तरह बेबीलोनिया में भी होता था। और अ स्वरित का चिन्ह था, ए विकृत स्वर का, ई उदात्त का, उ अनुदात्त का। वही चीन में अक्सर 5 स्वर ही मिलते हैं। 7 स्वरों वाले बहुत ही कम संगीत है। चीन में एक तरह से बहुत ही प्राचीन स्वर लिपि इस्तेमाल होती है। बौद्धों के पहुंचने पर यहाँ के संगीत पर कुछ भारतीय संगीत का भी प्रभाव पड़ा। वही इब्रानी संगीत की बात करें तो इब्रानी संगीत काफी पॉपुलर है। यहाँ के संगीत पर सुमेरु बेबीलोनिया के संगीत का प्रभाव है। वे लोग मंदिरों में जो गाने गाते थे उसे समय या साम कहते थे। इसमें वाद्य यंत्रों का बहुत इस्तेमाल होता था जिसे लोग ये किन्नर कहते थे। वही मिस्र यानी इजिप्ट का संगीत भी बेहद प्राचीन और जाना माना है। इन लोगों का विश्वास था कि मानव में संगीत देवी आइसिस अथवा देव थात द्वारा आया है। इनका प्रसिद्ध तत्वाद्य बिन या बिंद कहलाया। तत्वाद्य का मतलब है तार वाले वाद्य यंत्र जिनमें 2 बिंदुओं के बीच फैले हुए तार या तारों के कंपन से ध्वनि निकलती है, जैसे इकतारा, दो तारा, सितार, संतूर और गिटार। मिस्र के लोग स्वर को हर्ब कहते थे। इनके मंदिर संगीत के केंद्र बन गए थे। अफलातून जो मिस्र में अध्ययन के लिए गए थे उन्होंने कहा था वहाँ के मंदिरों में संगीत के नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। कोई भी गायक और वादक इन नियमों के विपरीत नहीं जा सकता था। कहा जाता है कि कोई 300 वर्ष ईसा पूर्व में मिस्र में लगभग 600 वादकों का ग्रुप था जिसमें 300 तो केवल बिन बजाने वाले थे। इनके संगीत में कई प्रकार के तत, सुशीर, अवनद्ध और धन वाद्य थे। मिस्र से पाइथागोरस और अफलातून दोनों ने संगीत सीखा। यूनान के संगीत पर मिस्र के संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। विश्व भर में संगीत की अलग अलग परिभाषा बताई गई और स्वरों को अलग अलग नाम से जाना गया। मगर बदलते समय के साथ संगीत ने अपनी अलग जगह बनाई। ऐसे में यूरोप के संगीत की बात करें तो यूरोप में सबसे पहले यूनान में संगीत एक व्यवस्थित कला के रूप में विकसित हुआ। भरत की मूर्छनाओं की तरह यहाँ भी कुछ मोड़ बने जिससे अनेक प्रकार की धुनें बनती थी। मूर्छना का मतलब होता है स्वरों का ऊपर नीचे होना। यहाँ भी तत, सुशीर, अवनद्ध और धन वाद्य कई प्रकार के थे। यूरोप में पाइथागोरस पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने गणित के नियमों से स्वरों के स्थान को निर्धारित किया। और 16वीं शताब्दी से यूरोप में संगीत का एक नई दिशा में विकास संभव हुआ। इस विकास को हार्मनी कहा जाने लगा। वहीं एक से ज्यादा स्वरों के गुच्छे को संघात या कॉर्ड कहा जाने लगा। म्यूजिकल नोटेशंस डेवलप करने का क्रेडिट काफी हद तक पाइथागोरस को जाता है। हालांकि एंशियंट ग्रीस में म्यूजिक की कोई खास रिटन हिस्ट्री नहीं है, पर माना जाता है कि पाइथागोरस ने म्यूजिकल इंटरवल्स के बीच न्यूमरिकल रिलेशनशिप्स को खोजा। साथ ही ग्रीक्स लोगों ने ही म्यूजिक में टेट्राकॉर्ड को इन्वेंट किया, यानी एक स्केल के 4 नोट्स। कहा जाता है कि पाइथागोरस कहीं से गुजर रहे थे और एक लोहार लोहा पीट रहा था। उन्हें ये आवाज ट्यूनफुल लगी। वो घर गए और इन ट्यून्स के बीच के मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट किया। उन्होंने पाया कि एक ऑक्टेव में जिन 2 नोट्स का इंटरवल आता है उसका रेशो हमेशा 2:1 है। एक परफेक्ट 5th ट्यून का रेशो निकला 3:2 और एक परफेक्ट 4th ट्यून का रेशो निकला 4:3। अब इन इंटरवल्स के कॉम्बिनेशंस ने दूसरे नोट्स बनाए और तैयार हुआ एक मेजर स्केल। 100 AD आते आते एंशियंट ग्रीक में म्यूजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था और लोगों ने म्यूजिक को लिखने का तरीका भी ढूंढ निकाला था। इतिहासकारों को 100 AD में बना एक
कर्व्ड टॉम्बस्टोन मिला था, जो एग्जाम्पल था कंप्लीट नोटेड सॉन्ग का विथ लिरिक्स एंड म्यूजिक। इस कंपोजिशन का नाम था सिकिलोस एपिटाफ। अब तक एंशिएंट ग्रीक के लोगों ने पाइथागोरस म्यूजिकल स्केल को ग्रीक अल्फाबेट में लिख लिया था, क्योंकि इस टॉम्बस्टोन में भी नोट्स रिटन फॉर्मेट में मौजूद थे और उनके ऊपर बने थे स्पेशल सिंबल्स। गाने के लिरिक्स यानी बोल भी नोट्स के नीचे लिखे हुए थे। 500 एडी आते आते एंशिएंट ग्रीस एक डिक्लाइनिंग एम्पायर बन चुका था, पर रोमन साम्राज्य अपनी सफलता का परचम लहरा रहा था। रोमन लोगों ने एंशिएंट ग्रीक्स के नॉलेज ऑफ क्लासिकल आर्ट्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को अपनाया। रोमन फिलोसोफर बोथियस ने एंशिएंट ग्रीक लोगों के बनाए म्यूजिक नोटेशन को पढ़ा और उनके सिस्टम के बारे में विस्तार से लिखा। लैटिन में लिखी अपनी रचनाओं से बोथियस ने बताया कि ए से ओ तक लेटर्स म्यूजिक में यूज होते हैं, जहां ए किसी वॉइस का लोएस्ट नोट है तो वही ओ है हाईएस्ट। बोथियस के लिखे टेक्स्ट बुक कई सौ सालों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई गई। रोमन लोग म्यूजिकल नोट्स लिख सकते थे, पर अफसोस कोई नोटेड रोमन म्यूजिक अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है। 600 एडी आते आते म्यूजिक को बढ़ावा देने का जिम्मा चर्च के कंधों पर था। चर्च में जो लोग रिलीजियस सॉन्ग गाते उन्हें प्लेन चैंट कहा जाता। इन्हें गाने के लिए सालों की प्रैक्टिस की जाती, इसे मेमोराइज करके दिल से गाया जाता। इनमें जो गड़बड़ी थी उसे ठीक करने के लिए नियम नाम से एक सिस्टम डेवलप किया गया, जो हाई या लो पीच के लिए एक डायरेक्शन था, पर इसका भी कोई डिफाइन मेथड नहीं था। पर ये मेथड पॉपुलर हुआ और अलग अलग चर्च और प्रार्थना घरों में इसके अलग अलग नियम बन गए। 1000 एडी आते आते इटली में एक म्यूजिक टीचर हुए, गुइडो डी अरेजो। उन्होंने इन न्यूम्स में एक स्ट्रेट लाइन खींची, इससे वॉइस को एक फिक्स्ड पीच मिला। म्यूजिकल नोट्स लिखे पन्ने पर उन्होंने सिंगल रेड लाइन खींची, ये बना एक नोट एफ या सी था। अब न्यूम्स को इस लाइन पर लिखा जाता और इसके ऊपर या नीचे रिलेटिव पीच लिखे जाते। रेड लाइन की शुरुआत में जो नोट्स लिखा होता उसे क्लेफ कहा गया। गुइडो सालों तक इस सिस्टम को डेवलप करते रहे और अलग अलग रंगों के एक्स्ट्रा लाइंस भी जोड़ते रहे। उनका ये सिस्टम वाइडली एक्सेप्ट किया गया और आगे चलकर न्यूम्स को स्क्वायर शेप्ड नोट सिंबल से रिप्लेस कर दिया गया। 13वीं शताब्दी में मेंसुरल नोटेशन अस्तित्व में आया। इसमें ये फिगर आउट हुआ कि पिच और रिदम के साथ म्यूजिकल नोट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसे बेसिकली प्लेन चैंट को रिदमिक बनाने के लिए किया गया। एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि दो टाइप के रिदम होते हैं, ड्यूपल एंड ट्रिपल। इस तरह ये दोनों भी ड्यूपल और ट्रिपल रिदम में सब डिवाइड होने पर चार पॉसिबिलिटीज सामने आई। चार हिस्सों में बटे इन मेंसुरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए चार सिंबल्स भी इन्वेंट किए गए। उन सिंबल्स में एक वर्टिकल लाइन से एक कट बनाई गई, जिससे पता चल सके कि बेसिक बीट को हाफ किया गया है। 17th सेंचुरी ने म्यूजिक नोटेशन में काफी डेवलपमेंट्स देखे। यहाँ नोट्स को ओवल शेप मिले, स्मॉलर नोट्स जैसे क्वार्टर नोट और 8 नोट्स वाले क्यूवर इंट्रोड्यूस हुए। अब की और रिदम के नजरिए से म्यूजिकल कंपोजिशंस कॉम्प्लेक्स होने लगे थे, इसीलिए 4 पॉसिबल टाइम सिग्नेचर के ओल्ड सिस्टम को छोड़ दिया गया और आज के जमाने में जो मॉडर्न फ्रैक्शन स्टाइल यूज होता है उसे इन्वेंट किया गया। 17th सेंचुरी में ही क्लासिकल म्यूजिक में बारोक्यू म्यूजिक आने लगा था। म्यूजिक नोटेशन में स्टैकाटो और स्लर्स जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल होने लगा था और पी एंड एफ जैसे डायनामिक लेटर्स आ गए थे। ये कुछ आज के म्यूजिक जैसा था और क्लेफ का इस्तेमाल कम होने लगा था। 19th सेंचुरी आते आते म्यूजिक इतना बदल गया था कि म्यूजिक नोटेशंस पूरी तरह से इवॉल्व हो गए थे। 20th सेंचुरी में माइक्रोटोन्स आ गए, प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने लगे, जैसे पियानो में स्ट्रिंग के बीच एक हैमर जोड़ दिया गया। एलिएटोरिक म्यूजिक भी आ गया, जो हर बार प्ले होने पर डिफरेंट साउंड करता। कॉम्प्रेसर्स आमतौर पर ट्रेडिशनल नोटेशन अडॉप्ट करते।
और कई ऐसे भी कॉम्प्रेसर्स हुए जो पुराने कंपोजिशंस को छोड़ देते और नई शुरुआत करते। वापस अगर भारत के मध्यकाल में लौटे तो संगीत की परिभाषा बदलने लगी। संगीत का मध्यकाल 9वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रहा। इस काल में प्रबंध गायन बहुत प्रचलित था, जिसका शाब्दिक मतलब है अच्छी तरह से बंधा हुआ, यानी स्वर, ताल और छंदों से अच्छी तरह नियोजित गायकी प्रबंध कहलाती है। इस काल में भारतवर्ष में संगीत की खूब तरक्की हुई। मध्यकाल में संगीत के कुछ खास ग्रंथ लिखे गए, जिनमें संगीत मकरंद, इस ग्रंथ के रचयिता नारद है। इसे स्त्री, पुरुषों और नापुंसक वर्ग में विभाजित किया गया है। गीत गोविंद, इसकी रचना 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा हुई। जयदेव सिर्फ एक कवि ही नहीं, गायक भी थे। इस पुस्तक में गीतों और प्रबंधों का संग्रह भी है। संगीत रत्नाकर, इसकी रचना 13वीं शताब्दी में हुई, जिसे सारंग देव द्वारा लिखा गया। ये ग्रंथ उत्तरी संगीत के साथ साथ दक्षिणी भाग में भी पाया जाता है। अलाउद्दीन के शासनकाल में अमीर खुसरो एक संगीत विद्वान थे, जिन्होंने तबला, सितार और कव्वाली का आविष्कार किया और संगीत को एक गहरा रूप दिया। इतिहासकारों की माने तो भारत में अकबर के शासनकाल में संगीत की बहुत प्रगति हुई। इसे पूरे विश्व में अलग दर्जा मिला। आइन ई अकबरी, जैसे कुछ लेखों के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतकार थे, जिनमें तानसेन सबसे खास थे। अकबर अपने आप में बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। यहाँ दुनिया के कुछ महान कंपोजर्स का जिक्र करेंगे। ये अपने टाइम पीरियड के लीजेंड्स थे। अकबर से भी लगभग 4 सदी पहले 11वीं शताब्दी की शुरुआत में हिल्डेगार्ड वो बिंगेन एक फेमस कंपोजर हुई। इनका जीवन काल 1098 से 1169 तक रहा। ये मेडिएवल पीरियड की एक लेडी महंत और कंपोजर थी। इनके म्यूजिकल कंपोजिशंस वोकल थे और रिलीजियस रिचुअल से जुड़े थे। इनके कंपोज हुए म्यूजिक में प्लेन चैंट का प्रभाव रहा। एक और नाम है जोहान सेबेस्टियन बाख, जो बारोक पीरियड में 1685 से 1750 तक एक जर्मन कंपोजर और म्यूजिशियन थे। उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर्स ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। उनके ज्यादातर कंपोजिशंस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर बेस्ड थे, जिनमें सोनाटाज, कॉन्सर्टोज और सूट्स का इस्तेमाल करते थे। इनके वोकल म्यूजिक इंस्पायर्ड थे कॉन्टेटास, मोटेट्स और पैशन से। इनके म्यूजिक में हार्मनी, मेलोडी और रिदम था। 18th और 19th सेंचुरी के म्यूजिक को देखें तो सिंफनी और ओपेरा क्लासिकल म्यूजिक के ये दो सबसे जाने माने फॉर्म है। सिंफनी की बात करें तो सिंफनी 18th सेंचुरी की देन है, जो एक फुल ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रूमेंटल पीस की तरह उभरी। सिंफनी, ये शब्द आया है ग्रीक वर्ड सिंफोनिया से, जिसका मतलब है कॉन्कर्ड ऑफ साउंड। बारोक्यू कंपोजर योहान स्टामिज ने पहली सिंफनी लिखी थी, पर इसे ऊंचाइयों तक लेकर गए मोजार्ट और बीथोवन जैसे कंपोजर्स। इन्होंने नए सिंफोनिक फॉर्म बनाए, उनमें एक्स्ट्रा मूवमेंट्स जोड़े, नए इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए और सिंफनी पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। वही बारोक्यू एरा में ही ओपेरा सिंगिंग की शुरुआत इटली से हुई, जो ओरिजिनली एक फॉर्म ऑफ म्यूजिकल ड्रामा था, जिसमें सिंगिंग, एक्टिंग और डांसिंग का कॉम्बिनेशन था। शुरुआती दौर में ओपेरा बेस्ड होते थे क्लासिकल माइथोलॉजी और एंशियंट हिस्ट्री पर। धीरे धीरे इनकी कहानियाँ कंटेम्प्रेरी लाइफ से भी ली जाने लगी। रोमांटिक एरा में ओपेरा को बहुत शोहरत मिली। वर्दी और वांगर जैसे कंपोजर्स ने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस और थीम्स को बेजोड़ तरीके से लोगों तक पहुंचाया। यही नहीं, 20th सेंचुरी में भी स्टारविंस्की और ब्रिटन जैसे कंपोजर्स के कंट्रीब्यूशन से ओपेरा लगातार इवॉल्व होता रहा। म्यूजिक की बात हो और मोजार्ट का जिक्र ना आए, ऐसा होना नामुमकिन है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में उन्होंने ओपेरा, सिम्फनी, चेंबर म्यूजिक और सोलो कीबोर्ड म्यूजिक जैसे जेनर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। क्लासिकल स्टाइल को डेवलप करने में उन्होंने उस दौर के म्यूजिक को सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और बैलेंस दिया। सिम्फनी को एक्सपांड करने के लिए उन्होंने 40 से ज्यादा सिम्फनीज लिखी,
एक्स्ट्रा मूवमेंट्स जोड़े, ऑर्केस्ट्रा को बढ़ावा दिया और नए टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए। इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपेरा कंपोजर्स ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, जिन्होंने इसे इमोशनल डेप्थ भी दी। इनके कंपोज किए गए ओपेरा जैसे द मैरिज ऑफ फिगारो, डॉन जियोवन्नी और द मैजिक फ्लूट आज भी परफॉर्म किए जाते हैं। वही लुडविग वान बीथोवेन को लेट क्लासिकल और अर्ली रोमांटिक एरा का रिवोल्यूशनरी कंपोजर और पियानिस्ट माना जाता है। बीथोवेन को उनके 9 सिम्फनीज के लिए जाना जाता है। क्लासिकल म्यूजिक में बीथोवेन ने लगभग 32 पियानो सोनाटा कंपोज किए, जिन्हें मास्टरपीस कहा जाता है। सोनाटा एक सिंपल कीबोर्ड पीस है, जिसमें नई हारमोनी जोड़कर बीथोवेन ने उसे एक वर्क ऑफ आर्ट में बदल दिया। बीथोवेन के 6 सिम्फनी, जिसे पास्टोरल कहा जाता है, वो प्रोग्रामेटिक म्यूजिक का पहला एग्जाम्पल था, जहाँ म्यूजिक के जरिए कहानी कही जाती, सीन या इमोशन बयां किए जाते। म्यूजिक के रोमांटिक एरा में बीथोवेन एक पाथ ब्रेकर आर्टिस्ट थे। अपने दौर में उन्हें जितनी भी खामियां दिखी, उन्होंने उनमें सुधार किए और बहुत से फॉर्म्स, हारमोनीज और इरेग्युलर रिदम्स को सही किया। जैसे भारत की आजादी में वंदे मातरम जैसे गीतों ने अपना योगदान दिया था, उसी तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन रहा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रांस का पॉलिटिकल सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया। बोर्बोन मोनार्ची को हटाकर फ्रांस के पहले फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया गया। इससे पूरे देश में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की एक नई सोच जगी, जिसने फ्रांस के कल्चर को भी प्रभावित किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हिस्सा लेने वाले लोगों ने अपने पॉलिटिकल आइडियाज को प्रमोट करने के लिए म्यूजिक का सहारा लिया। रिवॉल्यूशन के दौरान पेरिस कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक एस्टैब्लिश की गई, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया। वहां से रिवॉल्यूशन को लीड करने वाले लोगों ने ये वादा किया कि फ्रांस में वो एजुकेशन और आर्ट को बढ़ावा देंगे। रिवॉल्यूशन के दौरान ही ला मार्सलेज नाम से एक नया नेशनल एंथम बना, जिसे जोसेफ लीजेल ने कंपोज किया था। ये एंथम लोगों की आवाज बना और ये आज भी फ्रांस के नेशनल एंथम की तरह यूज होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लुइगी बोचेरिनी और क्रिस्टोफ विलीबाल्ड जैसे म्यूजिशियंस की पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो वही जीन फिलिप रमेऊ और फ्रांसवा आंद्रे फिलिडोर जैसे म्यूजिशियंस को बलिदान भी देना पड़ा। 19th और 20th सेंचुरी ने आज के मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल जेनर को जन्म दिया, जैसे ब्लूज। लेट 19th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज से निकल कर आए। इसमें सिंपल कॉर्ड्स थे, कॉल एंड रिस्पॉन्स वोकल स्टाइल था और हार्डशिप, लॉस एंड लव जैसे सिंगिंग थीम्स थे। ब्लूज ने जैज, रॉक एंड रोल और हिप हॉप जैसे दूसरे म्यूजिकल जेनर पर अपना इन्फ्लुएंस डाला। दुनिया के मोस्ट वेल नोन ब्लूज म्यूजिशियंस का नाम ले तो इनमें बीबी किंग, मडी वॉटर्स और रॉबर्ट जॉनसन शामिल है। जैज, जो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के बीच आया। ये कम्युनिटीज यूनाइटेड स्टेट के सदर्न पार्ट में रहती थी। ये बेसिकली अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकन म्यूजिक का एक ब्लेंड और इम्प्रोवाइजेशन था। ब्लूज और रेग टाइम जैसे म्यूजिक जेनर से जैज निकला था। इसके अर्ली आर्टिस्ट छोटे ग्रुप्स में या बड़े बैंड्स में परफॉर्म करते थे। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर जैज म्यूजिशियंस में शामिल है लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, ड्यूक इलिंगटन और चार्ली पार्कर जैसे नाम। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग को 20th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जैज म्यूजिशियन कहा जाता है। उन्होंने ट्रेडिशनल जैज को इम्प्रोवाइज किया और उसमें मेलोडी एंड हारमोनी जोड़कर जैज को यूएसए के बाहर भी पॉपुलर बनाया। आर्मस्ट्रॉन्ग एक जबरदस्त ट्रम्पेट प्लेयर भी थे, जो अपने टेक्निकल स्किल, यूनिक साउंड और एक्सप्रेसिव प्लेइंग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जैज में ट्रम्पेट को एक लीड इंस्ट्रूमेंट की जगह दिलाई और ढेर सारे म्यूजिशियंस को इंस्पायर किया, जिन्होंने उनके फुट स्टेप्स फॉलो किए। 1950 में यूएसए से ही रॉक एंड रोल की शुरुआत हुई।
रॉक एंड रोल का नाम सुनते ही एनर्जेटिक ट्यून्स पर झूमते गाते लोगों का ख्याल जहन में आ जाता है। इस म्यूजिकल जेनर की यही खासियत है। इसमें इलेक्ट्रिक गिटार्स, ड्रम्स, बास और हाई एनर्जी परफॉर्मेंसेस शामिल है। इन्हें अक्सर रिबिलियस थीम्स पर परफॉर्म किया जाता है। रॉक एंड रोल पर ब्लूज, जैज, कंट्री और गोस्पेल म्यूजिक का हेवी इन्फ्लुएंस था। एल्विस प्रिस्ले, चक बेरी और द बीटल्स इस जॉनर के वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट रहे। रॉक एंड रोल में एल्विस प्रिस्ले का एक मेजर कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने अलग अलग म्यूजिकल स्टाइल्स जैसे कंट्री, ब्लूज और गोस्पेल को रॉक एंड रोल में मिलाकर इसे एक डिफरेंट साउंड बनाया, जो रॉकेबली नाम से पॉपुलर हुआ। अपने परफॉर्मेंसेस में उन्होंने नई एनर्जी और स्टाइल जोड़ा। डायनामिक डांस मूव्स और कैरिस्मेटिक स्टेज प्रेजेंस के साथ वो जब स्टेज पर आते तो लोग उनके दीवाने हो जाते। हाउंड डॉग और जेल हाउस रॉक जैसे गानों ने रॉक एंड रोल को पॉपुलर बनाया और प्रिस्ले को एक वर्ल्ड आर्टिस्ट का दर्जा दिलाया। अब बात हिप हॉप की, तो 1970s में अफ्रीकन अमेरिकन एंड लैटिनेक्स कम्युनिटीज में हिप हॉप एक कल्चरल मूवमेंट के तौर पर ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क सिटी से शुरू हुआ। इन कम्युनिटीज के यंग लोग जो इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस फेस कर रहे थे उसे क्रिएटिवली एंड सोशली रिप्रेजेंट करने का जरिया बना हिप हॉप। इसमें चार की एलिमेंट्स थे, डीजे, एमसीइंग या रैपिंग, ब्रेक डांसिंग और ग्राफिटी आर्ट। डीजे बजाने में टर्न टेबल्स और रिकॉर्ड्स का यूज होता और नए बीट्स एंड रिदम्स बनाए जाते। वही अपनी बात को बीट्स के साथ पोएटिक स्टाइल में एक्सप्रेस करने को एमसी या मास्टर ऑफ सेरेमनीज कहा जाता। अपना टाइम आएगा ये गाना सुना ही होगा आपने, ये एमसी का एग्जांपल है। उसी के साथ होती ब्रेक डांसिंग और ग्राफिटी आर्ट, जो विजुअल आर्ट फॉर्म के तौर पर इन्हीं कम्युनिटीज के बीच से उभरा। 1980s आते आते हिप हॉप म्यूजिक काफी पॉपुलर हो गया और रन डीएमसी, पब्लिक एनिमी और एलएल कूल जे जैसे आर्टिस्ट ने इस म्यूजिक जेनर को अफ्रीकन अमेरिकन एंड लैटिनिक्स कम्युनिटीज के बाहर भी पॉपुलर बनाया। अब तक हमने म्यूजिक के जो भी जेनर्स देखे, फोनोग्राफ और डिजिटल रिकॉर्डिंग ने उन्हें ग्लोबली पॉपुलर बनाया। 1877 में थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ इन्वेंट किया, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन ला दिया। अब लोग अपने फेवरेट म्यूजिक को बार बार सुन सकते थे, पर इससे पहले म्यूजिक का लुत्फ लेने के लिए लोग लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करते थे। फोनोग्राफ के साथ म्यूजिक को रिकॉर्ड करके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। इससे म्यूजिक आर्टिस्ट, बैंड्स, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर्स को ग्लोबल ऑडियंस मिलने लगी। फोनोग्राफ के बाद डिजिटल रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री को इसकी बुलंदी पर पहुंचा दिया। इससे हायर क्वालिटी रिकॉर्डिंग मिलने लगी और साउंड एडिटिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली। इससे म्यूजिशियंस नए साउंड्स क्रिएट करने लगे और म्यूजिक के डिफरेंट स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। डिजिटल रिकॉर्डिंग ने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बढ़ावा दिया, क्योंकि किसी मेजर रिकॉर्ड लेबल से जुड़े बिना ही वो अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करके उसे रिलीज कर सकते थे। डिजिटल रिकॉर्डिंग ने ही माइकल जैक्सन के एल्बम थ्रिलर को इतनी पॉपुलैरिटी दिलवाई कि 70 मिलियन सोल्ड कॉपीज के साथ आज भी ये हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम है। अगर आप एक ट्रू म्यूजिक लवर है और ग्लोबल म्यूजिक को फॉलो करते हैं, तो आपने फेला कुटी का नाम जरूर सुना होगा। फेला अनिकुलापो कुटी एक नाइजेरियन म्यूजिशियन और एफ्रोबीट म्यूजिक के लीजेंड थे। अफ्रीकन म्यूजिक हिस्ट्री में इनका नाम अदब से लिया जाता है। एफ्रोबीट म्यूजिक एक ब्लेंड है अफ्रीकन रिदम्स और मेलोडीज का, जिसमें जैज, फंक और दूसरे वेस्टर्न स्टाइल्स को यूज किया जाता था। फेला ने एफ्रोबीट म्यूजिक के जो ट्यून्स बनाए वो पूरी तरह से उनके अपने थे। नाइजेरियन हाई लाइफ, घानानियन हाई लाइफ, जैज और फंक का एक मिक्सचर बनाकर उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिदम्स, सोशली इन्फ्लुएंस्ड लिरिक्स और एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस के साथ वो लोगों के बीच इतने पॉपुलर हुए कि नाइजीरिया से निकलकर उनका म्यूजिक ग्लोबल बन गया।
आगे चलकर वो सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन बन गए, जिन्होंने इनजस्टिस और करप्शन के खिलाफ भी आवाज उठाई और अपने जनरेशन के ढेरों म्यूजिशियंस को इंस्पायर किया। एक बार फिर से अपने वतन लौटते हैं, क्योंकि इंडियन म्यूजिक की बात किए बिना हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक को समराइज नहीं किया जा सकता। मॉडर्न एरा के म्यूजिक की बात करें तो हम प्राचीन काल और मध्य काल से इसकी तुलना नहीं कर सकते। इस युग में म्यूजिक को शोर शराबे वाला भी कहा जाने लगा है। एक और जहां प्राचीन भारत में म्यूजिक को मन बहलाने, मन को शांत रखने और अलग अलग यंत्रों की आवाजों का लुत्फ उठाने का जरिया माना जाता था, वही मॉडर्न एरा इंडिया में अंग्रेजों और डच लोगों का बोलबाला था। 19वीं शताब्दी के दौरान सुरेंद्र मोहन ने यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक नाम की किताब लिखी और 20वीं शताब्दी के दौर में संगीत को आम लोगों के बीच फैलाया गया। हालांकि कुछ लेख बताते हैं कि इस दौर में संगीत को लोगों के बीच पहुंचाना इतना भी आसान नहीं था, पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे जी के सहयोग से संगीत की ख्याति बढ़ी। इसी काल में N.A. विलर्ड ने A Treatise on the Music of Hindustan नाम की किताब भी लिखी। इन्हीं के अथक प्रयासों से कई यूरोपियन रिसर्चर्स ने भारतीय संगीत का अध्ययन किया। यह पहली बार था कि जब आम लोग संगीत को करीब से समझ रहे थे। इस समय घराना परंपरा भी पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। इसी समय काल में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भारतीय संगीत को नई दिशा दी। इन्होंने थाट राग वर्गीकरण पद्धति बनाई और एक नई स्वर लिपि की बुनियाद रखी। इस दौर में संगीत के दो ग्रंथ श्री मल्लक्षय संगीत और अभिनव राग मंजिरी के बारे में भी बात की जाती है। लखनऊ के मैरिस म्यूजिक कॉलेज, ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय और बड़ौदा में म्यूजिक कॉलेज खुला तो लोग संगीत के और करीब पहुंचे। इसी काल में बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर ने गायन के क्षेत्र में अपने अनेक शिष्य बनाए, जिन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया। संगीत के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा को जोड़ दिया गया और इसी समय में उनके शिष्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हुए। इन्होंने भी संगीत के उत्थान में अपना योगदान दिया। सबसे पहले इन्होंने गीतों से अश्लील शब्दों को हटाकर भक्ति रस के शब्दों में डाला और लाहौर में 5 मई 1901 को गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय को संगीत का मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ से संगीत सीख ले वो संगीत का महारथी कहलाता है। गीतों से अश्लील शब्दों को हटाकर इन्होंने अपने गीतों में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना को स्थान दिया और स्वर लिपि पद्धति को बढ़ावा दिया। कई लोग अभी भी इस बात को नहीं जानते कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने लगभग 250 पुस्तकें लिखी, जिनमें से संगीत बाल बोध, राग प्रवेश, भजनामृत लहरी, संगीत तत्वदर्शक आदि प्रमुख है। इनके शिष्यों में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन वो नाम है जिन्हें संगीत के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। 20वीं शताब्दी में राजा भैया एक प्रसिद्ध गायक हुए। ये पूंछ घराने के एक भारतीय संगीतकार थे, जिन्होंने संगीत को ऊंचाई देने के लिए ढेर सारे कार्य किए। इसी काल में प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर और राम गोपाल हुए। दोनों ने नृत्य को नए परिवर्तनों के साथ विकसित किया। ये वो दौर था जब गुरु शिष्य परंपरा के साथ संगीत और संगीत के साथ नृत्य को जोड़ा गया। ये ट्रेडिशन हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी प्रचलित हुआ। दक्षिणी संगीत के दौर में उस्ताद अब्दुल करीम खां एक जाना माना नाम है, जो एक प्रसिद्ध गायक थे। इन्होंने 1913 में पूना में आर्य समाज विद्यालय की स्थापना की। संगीत जगत में ये एक बहुत बड़ा कदम था, जिससे संगीत लोगों के बीच खासा लोकप्रिय बन गया। इसी काल में प्रसिद्ध सुरबहार और सितार वादक उस्ताद इनायत खां हुए। इनके सधे हाथों ने सितार को लोकप्रिय बना दिया। नृत्य के क्षेत्र में श्रीमती इंद्राणी रहमान ने भरतनाट्यम में और कुमारी अनुराधा गुहा ने कथक में अपना सराहनीय योगदान दिया। 1952 से भारत सरकार ने देश के श्रेष्ठ म्यूजिशियंस और उनके कंपोजिशंस को प्रोत्साहित करने के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित करना शुरू कर दिया था। इधर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित भीमसेन जोशी,
कुमार गंधर्व, पंडित रविशंकर, उमा देवी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर लालमणि, पंडित शिवकुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरासिया, परवीन सुल्ताना, अमजद अली खान, विलायत खां, निखिल बैनर्जी जैसे ढेर सारे कलाकारों ने आजादी के बाद भारतीय संगीत को एक मुकम्मल पहचान दिलवाई। इन नामों ने संगीत कला में लोगों की रुचि को बढ़ावा दिया और भारतीय संगीत को ग्लोबल आइडेंटिटी दिलवाई। उस्ताद विलायत खां सितार वादक रहे, जिन्होंने अपने टैलेंट का जादू हर ओर बिखेरा और अपार लोकप्रियता हासिल की। उस्ताद अली अकबर खान जाने माने सरोद वादक रहे। इसी समय में प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान हुए, जिनकी शहनाई भारत की आजादी पर लाल किले से गूंजी थी। प्राचीन काल से लेकर अब तक संगीत के विकास में समय समय पर अनगिनत बाधाएं उत्पन्न होती रही, परंतु संगीत अपनी शक्ति और सामर्थ्य के कारण कभी धीमी तो कभी तीव्र गति से निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहा। इसका श्रेय उन संगीत महानुभावों को जाता है जिन्होंने प्राचीन काल से मध्य काल तक अलग अलग तरीकों से संगीत की मर्यादा का ध्यान रखकर इसका प्रचार प्रसार किया। हालांकि आधुनिक काल में संगीत ने तीव्र गति से प्रगति की, जिसका नतीजा है आज हजारों विद्यार्थी संगीत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भारत में संगीत शिक्षकों को भी आदर भरी नजर से देखा जाता है। संगीत के महान दिग्गजों की बात हो तो पंडित रविशंकर की बात आ ही जाती है। पंडित रविशंकर एक भारतीय म्यूजिशियन और कंपोजर थे, जिन्हें पूरी दुनिया में सितार को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये खासे लोकप्रिय थे। ऐसा कहा जाता है कि रविशंकर के संगीत में आध्यात्मिक शांति छिपी थी, जो सुनने वाले के दिल में उतरती थी। 90 साल की उम्र में भी उनमें संगीत का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ था। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप 91 साल की उम्र में भी जवान व्यक्ति जैसा जोश कहाँ से लाते हैं? तो उन्होंने कहा था, भले ही मेरा शरीर 91 साल का हो गया है, पर मेरा मन अभी भी जवान है। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। रविशंकर के बड़े भाई उदय शंकर उस समय के एक प्रसिद्ध नर्तक थे। रविशंकर ने संगीत का अध्ययन किया और 1930 में अपने भाई के डांस ग्रुप में शामिल हो गए। 10 साल की उम्र से वो अमेरिका और यूरोप के ट्रिप पर जाने लगे थे। अगर पंडित रविशंकर के सितार बजाने के सफर के बारे में बात करें, तो अपने गुरु उस्ताद इनायत खान के नेतृत्व में सितार बजाना सीखने के बाद वो मुंबई चले गए। वहाँ उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लिए काम किया। वहाँ पंडित रविशंकर ने 1946 तक बैले के लिए संगीत की रचना की। उसके बाद 1950 में रविशंकर को नई दिल्ली रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो के निर्देशक बनने का मौका मिला। उन्होंने इस जिम्मेदारी को 1956 तक संभाला। AIR में अपने समय के दौरान रविशंकर ने ऑर्केस्ट्रा के लिए मिक्स सितार, वेस्टर्न क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कई धुनों की रचना की। इसके अलावा उन्होंने अमरीकी मूल के वायलिन प्लेयर यहूदी मेनुहिन के साथ भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस दिए। सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज में वो लगातार परफॉर्म करते रहे। एडिनबर्ग फेस्टिवल और रॉयल फेस्टिवल हॉल जैसे जगहों पर दी गई उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी दी और भारत के साथ दुनिया भर में वो एक रिनोन्ड आर्टिस्ट बन गए। 1954 में सोवियत संघ में, 1956 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में इन्होंने अपनी संगीत की मधुरता से लोगों का दिल जीता। पहले से ही पश्चिमी दुनिया में भारतीय संगीत के एक राजदूत रहे। पंडित रविशंकर ने 1960 के दशक में इस भूमिका को बखूबी निभाया। उस दशक में लोगों ने मोंटेरे पॉप फेस्टिवल में रविशंकर के प्रदर्शन को देखा, जिसने उनकी प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। साल 1986 में भारतीय संगीत में उनके महान योगदान के लिए उन्हें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने राज्यसभा में नामित किया। वो रमोन मैग्सेसे और भारत रत्न से सम्मानित थे। आगे बढ़ते हुए मानव सभ्यता और इंसानी जिंदगी पर अगर संगीत के प्रभाव की बात करें, तो हजारों सालों से हम इंसानों के लिए म्यूजिक
खुद को एक्सप्रेस करने का एक जरिया रहा है। म्यूजिक हमारे इमोशंस को जगाता है और हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जुबा बनाता है। ह्यूमन जॉय, सैडनेस, लव, एंगर और हमारे लगभग हर इमोशन को म्यूजिक जितने अच्छे से बयां कर सकता है, शायद कोई और चीज नहीं कर सकती। म्यूजिक से हमारी कल्चरल आइडेंटिटी भी बनती है। हम कौन है, कहाँ रहते हैं, किस तरह के वैल्यूज, बिलीव्स और ट्रेडिशंस को जीते हैं, सब कुछ म्यूजिक ही बताता है। म्यूजिक इंसानों के लिए कम्युनिकेशन टूल भी है, जो लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर्स को तोड़ता है। अपने आइडियाज, स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस, सब कुछ हम इससे शेयर कर पाते हैं और दुनिया भर के लोगों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। ना सिर्फ म्यूजिक हमारे लिए एंटरटेनमेंट का जरिया है, ये दुनिया भर में लोगों की आवाज बना है, क्रांति की मिसाल बना है और जीने का अंदाज भी बनता रहा है। हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर म्यूजिक के इम्पैक्ट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब हम लो फील करते हैं तो इंस्पिरेशनल म्यूजिक हमें मोटिवेट कर देता है। हम अपने दर्द पर म्यूजिक को मरहम की तरह लगाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप चाहे सेलिन डियोन को सुनिए या लता मंगेशकर जी को, किशोर कुमार को सुनिए या माइकल जैक्सन को, बीथोवेन के कंपोजिशन सुनिए या रहमान साहब को, जस्टिन बीबर को सुनिए या अरिजीत सिंह को, म्यूजिक एक ग्लोबल वॉइस है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। म्यूजिक ने सदियों से लोगों के फैशन स्टेटमेंट को भी इंस्पायर किया है। हमारे फेवरेट म्यूजिक आर्टिस्ट किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके हेयर स्टाइल, घड़ी, जूते, सनग्लासेस, सब कुछ लोग कॉपी करते हैं। म्यूजिकल पोस्टर्स, रिकॉर्ड्स, साइन कॉपीज, इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग सब कुछ ऑक्शंस में बिकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका जबरदस्त इम्पैक्ट है। साल 2022 में ग्लोबल रिकॉर्डेड म्यूजिक इंडस्ट्री $26 बिलियन की थी। म्यूजिक हजारों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी जरिया है। सिंगर्स, कंपोजर्स, रिकॉर्ड लेबल्स, म्यूजिक स्टूडियो, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनीज, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, थिएटर, ओपेरा हाउसेस, साउंड सिस्टम सप्लायर्स, स्टेडियम, प्रिंटिंग प्रेस, यूट्यूब चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, म्यूजिक स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स, एंकर्स, डांसर्स, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इनसे जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी म्यूजिक से ही चलती है। साल 2025 तक इंडियन म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री $1,127 मिलियन की हो जाएगी। म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो अभी से अपने पसंद के सेगमेंट को चुन लीजिए और ट्रेनिंग लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि म्यूजिक का हजारों साल पुराना इतिहास जान लेने के बाद ये तो समझ आ ही गया होगा कि म्यूजिक से नेम, फेम और पैसा तीनों मिल सकता है। अपनी डॉक्यूमेंट्री को समअप करें तो म्यूजिक का एक लंबा, डाइवर्स और इन्फ्लुएंशियल इतिहास रहा है। हमारे पूर्वजों ने बनाए शुरुआती दौर के म्यूजिक हो या आज का कंटेम्प्ररी म्यूजिक, ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी पर इसका गहरा प्रभाव था, है और हमेशा रहेगा। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने इतिहास के जो पन्ने पलटे, उससे पता चला कि हर दौर में म्यूजिक का अपना अलग अलग पर्पज रहा। इजिप्ट, ग्रीस और रोम जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन में म्यूजिक रिलीजियस सेरेमनीज और फेस्टिवल्स में यूज हुआ, तो वही मेडिएवल यूरोप में म्यूजिक को रिलीजियस मैसेज पहुंचाने का जरिया बनाया गया। रेनेसा पीरियड में बाक, बीथोवेन और मोजार्ट जैसे क्लासिकल म्यूजिक आर्टिस्ट ने म्यूजिक को पॉपुलर बनाया, तो 20th सेंचुरी में म्यूजिक ने जैज, ब्लूज, रॉक एंड रोल और हिप हॉप जैसे इवोल्यूशन देखे। आज म्यूजिक में टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। डिजिटल रिकॉर्डिंग से 8D जैसी क्वालिटी हम सुनते हैं। वही स्ट्रीमिंग सर्विसेज और सोशल मीडिया ने म्यूजिक को इतना रिवोल्यूशनाइज कर दिया है कि आज म्यूजिकल रील से गाने वायरल हो जाते हैं। आज म्यूजिक ने कल्चरल, लिंग्विस्टिक और जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ दिया है और हर इंसान किसी न किसी तरह ग्लोबल कल्चर का हिस्सा है। आज A.R. रहमान वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करते हैं, तो जस्टिन बीबर का लाइव कंसर्ट देखने के लिए भी हम इंडियंस हजारों का टिकट काटते हैं। आज नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो फॉरेन में लोग कृष्ण भजन भी गा रहे हैं। म्यूजिक की ना कोई भाषा है और ना ही इसे कभी किसी भाषा में बांधा जा सकता है।
इसे बस फील किया जा सकता है। उम्मीद है आपने हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक को करीब से जाना और समझा। हमारी लाइब्रेरी में ऐसी ढेरों डॉक्यूमेंट्रीज है जो आपसे बस एक क्लिक की दूरी पर है। एक्सप्लोर कीजिए और देखते रहिए infinitystream.tv।